हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, हिंदी बर्ड चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप सहज पोर्टल का यूजर आईडी पासवर्ड कैसे ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि सहज पोर्टल लेकर आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको आय, जाति, निवास, मृत्यु, जन्म, रोजगार पंजीकरण, विकलांग प्रमाण पत्र, खतौनी, वृद्धावस्था पेंशन और भी ढेर सारी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी सहज पोर्टल लेना चाहते हैं तो कैसे इसके लिए आवेदन होगा, उसकी संपूर्ण जानकारी यहां पर देने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सहज पोर्टल रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपल, सबसे पहले आपको आना होगा इसकी आधिकारिक वेबसाइट पे। आप देख लीजिएगा, इस प्रकार से वेबसाइट है। हो सकता है लिंक आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पर आप देख भी लीजिए और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक दे दी जाएगी, तो क्लिक करके आप यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे आप यहां आते हैं तो यहां आने के बाद देखिए, आपको देखने को मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन और यहां पर देखिए लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इस पर हमें करना है क्लिक। चलिए करेंगे हम क्लिक। क्लिक करते ही आप देखेंगे आपके सामने इस प्रकार से ये जो फॉर्म है वो खुल जाएगा और इसी फॉर्म को आपको भरना होगा। अब चलिए फॉर्म कैसे भरते हैं इसे हम स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले हम जान लेंगे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है फॉर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। क्लिक हेयर पे करेंगे क्लिक, तो यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट आ गई। जैसे कि देखिए यहाँ पर पैन कार्ड है, उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस में दिया है आधार कार्ड का बोथ साइड, वोटर कार्ड का बोथ साइड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। उसके बाद देखिए प्रूफ ऑफ एड्रेस में से यहाँ पर देखिए आपका ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए या जीएसटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आपका कोई बिजनेस है तो, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखिए अदर डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसमें आपके पास आईआईबीएफ सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट और उसके अलावा देखिए आपके पास बैंक डिटेल्स होना चाहिए और अगर आपका बिजनेस शॉप है तो उसकी डिटेल्स आपकी होनी चाहिए। तो चलिए इतनी जानकारी यहाँ पर देख लीजिए, हम इसे हटा देते हैं और हम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बताते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखें रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर चुनना है इंडिविजुअल और बिजनेस। तो यहाँ पर आप इंडिविजुअल हैं, स्वयं कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए कैटेगरी आएगी, तो यहाँ पर आपको सहज मित्र पे ही रहने देना है। उसके बाद देखिए लिखा है यहाँ एरिया, तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप रूरल से हैं तो रूरल चुनेंगे और अर्बन से हैं तो अर्बन चुनेंगे। हम यहाँ क्या करेंगे, रूरल चुन लेते हैं। जैसे आप रूरल चुनेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको नीचे आना है और नीचे देखिए यहाँ पर बोला जाएगा कि अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है तो वो डालिए या एम्प्लॉय आईडी है तो वो डालिए। उसके अलावा अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो नीचे आ जाइए। यहाँ पर देखिए रेफरल टाइप लिखा है कि कहाँ से आपको रेफरल मिला है, आपको गूगल से मिला है या सहज मित्र से मिला है, तो वो आपको बताना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर देखिए लिख देता हूँ डोंट वे और इस पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करता हूँ। अब हमारे सामने ये फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है, तो आपके मोबाइल पे ओटीपी भेज जाएगा और वेरीफाई होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर देना है जो कि अभी ऑप्शनल बताया जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी आएगी और आपको ईमेल आईडी को यहाँ पर वेरीफाई कराना होगा। उसके बाद देखिए नीचे आपको यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है, लेकिन ये ऑप्शनल है। उसके बाद नीचे चले आइए। नीचे आने के बाद देखिए अब आपको क्या करना है, अपना नाम और डिटेल्स यहाँ पर देनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालना है। तो यहाँ पर देखिए पैन कार्ड नंबर लिखा है, तो पैन कार्ड नंबर डालिए और यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड को अपलोड करना होगा। तो यहाँ पैन कार्ड अपलोड करेंगे। उसके बाद देखिए आएंगे नीचे, यहाँ पर आपको मिस्टर चुनना है। अगर फीमेल्स हैं तो यहाँ पर मिसेज चुन जाएंगे, ठीक है, हम मिस्टर चुनेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ फर्स्ट नेम आएगा, यहाँ पर मिडिल नेम जो है ऑप्शनल है, जिसके हो तो वो डालेंगे, जो नहीं है तो वो नहीं डालेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर लास्ट नेम आएगा, यहाँ पर फादर्स नेम डालना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और यहाँ पर देखिए आपकी डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से आ जाएगी। यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हैं फीमेल हैं। उसके बाद देखिए आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको यहाँ पर देना है, सिंगल हैं मैरिड हैं। उसके बाद देखिए आपकी यहाँ पर नेशनलिटी इंडिया ही रहेगी।
जब ये सारी चीजें आप भर लेंगे तो सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे, अब देखिए आपको यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करना है, तो कोई भी अपना एक जो है फोटो अपलोड कर दीजिए। फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको अपना एक एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है, तो आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में से कुछ भी अपडेट कर दीजिए। हम यहाँ आधार कार्ड करेंगे, और जैसे ही आप आधार कार्ड को अपडेट करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ आधार नंबर शो हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप नीचे चले आइए। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको अपना एड्रेस भरना होगा, तो यहाँ पर आपका एड्रेस जो आधार कार्ड से आ जाता है वो ठीक है, लेकिन कुछ यहाँ नहीं आता है जैसे ब्लॉक हुआ या ग्राम पंचायत, तो आपको यहाँ भर देना है। तो यहाँ पर अपना अपडेट कर दीजिए अपने विलेज को, ग्राम पंचायत को और ब्लॉक को। उसके बाद नीचे चले आइए और नीचे आपका सेंटर एड्रेस होगा, जहाँ पर आप सेंटर खोलना चाहते हैं, तो वहाँ का पूरा एड्रेस आपको यहाँ भर देना होगा। सेंटर भरने के बाद देखिए नीचे आपको अपना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डालना है। आप किसी भी गूगल पे सर्च करके आसानी से ये भर सकते हैं। उसके बाद रिव्यू सबमिट पे क्लिक करिए। क्लिक करते ही देखेंगे आपका सारा फॉर्म आपको दिखाई देगा, इसकी आपको एक बार जांच करनी है और इसे सबमिट करना है। अगर सब कुछ सही है और सबमिट कर देते हैं तो आपको यहां पर आपकी सहज आईडी मिल जाती है और आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है और आपका आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इसके बाद जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो जाएगा और आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, इसे आप नोट करके रख लें। अब देखिए आपको स्टेटस चेक कैसे करना है, तो आप फिर से रजिस्ट्रेशन पे आएंगे। देखिए यहाँ लिखा है नो रजिस्ट्रेशन स्टेटस, यहाँ पर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से पेज आएगा, जो आपको रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन आईडी मिली है वो आप यहाँ डालेंगे और सबमिट के बटन पर करेंगे क्लिक। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ स्टेटस दिखा दिया जाएगा कि आपका क्या प्रोसेस चल रहा है और कब तक आपको ये जो है मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको सहज पोर्टल लेने के लिए आवेदन करना है, क्योंकि फ्रेंड इसके बाद आपको कॉल आएगा, आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा और वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपकी आईडी तैयार हो जाएगी। दोस्तों अगर आपसे कोई पैसे की मांग करता है, कोई डिमांड करता है, तो आपको किसी को भी ऐसे ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर नहीं करने हैं, अन्यथा आप भी फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।